नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश धमीजा। न्यूमरोलॉजी राशिफल में आज बात करते हैं 19 जनवरी 2022 की मूलांक नंबर 1। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 1। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कुछ दिनों से चल रही व्यापारी उलझने आज समाप्त होंगी। सकारात्मक विचारों से आप अपने आसपास के सभी लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। यदि कुछ समस्या लगे तो बंदरों को गुड़ खिलाइए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 2 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 2। आज बिजनेस से रिलेटेड यात्रा पर जाना लाभकारी रहेगा। भावुकता में आकर किसी भी इंपॉर्टेंट इश्यूज पर निर्णय ना लें, सोच विचार कर निर्णय लें। आज के दिन माता पिता के चरण स्पर्श करके कार्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 3 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 3। घर में वरिष्ठ मेंबर का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। व्यापार में पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमी को बातचीत से दूर कर पाएंगे। यदि कुछ समस्या लगे तो शहद का सेवन कीजिए, आपको आज लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 4 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 4। विदेशी संपर्क से व्यापार में आज लाभ मिलेगा। कोई बनता काम रुकने से आपको क्रोध आ सकता है, संयम रखिएगा। आवेश में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़े। यदि कुछ समस्या लगे तो गेहूं का दान कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 5 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 5। बिजनेस के कुछ नए अवसर आज प्राप्त होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को भी आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कोई पुराना रुका हुआ धन आज वापस मिलने की संभावना है। यदि कुछ समस्या लगे तो तुलसी के पौधे को जल दें, आज आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 6 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 6। नौकरी में मेहनत जितने परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, मन किसी बात को लेकर बेचैन हो सकता है। जीवन साथी का हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। यदि कुछ समस्या लगे तो गुड़ को जल में प्रवाहित कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 7 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 7। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल में घूमने का प्लान बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में रुके कार्यों को गति मिलेगी। संतान से जुड़ी कोई खबर आज सुकून देगी। पुराने कमर का दर्द दोबारा से परेशान कर सकता है। यदि कुछ समस्या लगे तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 8 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 8। कानूनी मामलों से आज दूर रहने का प्रयास करें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी और क्रोध पर कंट्रोल रखें। आज यदि संभव हो तो बिजनेस में बड़ा निवेश ना करें, परहेज करें। आज के दिन रात्रि में गुड़ का सेवन मत कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 9 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है नंबर 9। हर क्षेत्र में भाइयों का सहयोग मिलेगा। आय का कोई नया स्रोत मिलेगा। नौकरी में कठिन कामों को अपनी कार्य कुशलता से पूरा कर पाएंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि से आपको समाज में आज सम्मान मिलेगा। और आज के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज हमने बात की 19 जनवरी के राशिफल की। कल मिलते हैं 20 जनवरी के साथ। नमस्कार।